मित्री खेती भास्कर द्वारा एसोसिएशन में आप लोगों से जो है माफ़ी का उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी टाइम लग गया है। हम खा फर्क होता है, वो आने में देर हुई है, तो उस सिलसिले में जो है तो मैं तमाम हाउस से जो है माफ़ी चाहता हूँ। शुरू हो जाए अभी, कोई आपने बनाया या फिर एक टर्न बाई टर्न हम बोलते जाएंगे, प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ये हाउस बता दें मुतफका तौर पे कर रहे हैं आप? नहीं जनाब, नहीं, टर्न बाई टर्न प्रेसिडेंट के लिए नाम कोई भी स्थान पर पोस्ट कर सकते हैं, और बाकी लोग जो प्रेसिडेंट के लिए जी सेकंड करें कितने जी? फकीर रहमान सर, फकीर रहमान तो मुतफका तौर पे हो गए और आ गए जी, आप हमें लिख के देंगे फिर आप ये पहले लिख के दें आप शादी है दो साल डाले आ जाओ तुझी बहन जो भी आ ये आ जाए पहले आए जी शाह साहब कली कली सबके सामने जब उसे सोचा ये जो हमारे हाउस का सीनियर अकेला अकेला ये गिरना है कि हम ये 13 ना हो जाए या 11 ना हो, 9, 10, 11, 12 ठीक है जी। फकीरवान दीन मोहम्मद 3, दीन मोहम्मद 4 जी, फकीर अहमद, फकीर दीन नंबर दीन मोहम्मद 5 जी, दीन मोहम्मद 6, दीन मोहम्मद 7, फकीर जी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ जी दीन मोहम्मद साहब को, ठीक है जी, ठीक है जी। कोई है इतराज किसी को? नहीं है, है? नहीं है, नहीं जी। राजगीर सोशियस है के लिए बड़ी तश्ल दी गई, तो जो भी था जो भी वक्त गुजारा है, अगर किसी का 1 रुपये भी मिलते है हकीकत, अगर आप लोगों का कोई खाया हो मेरे बच्चों के निकले, आज मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास केपी बास्केटबॉल एसोसिएशन के 5 लाख रुपए हैं, मैं इनको हैंड आउट करता हूँ प्लीज। सोच रहे हो कि 5 लाख किस तरह? आपको पता है कि एसोसिएशनों में क्या होता है, मैं अपने खर्च पे को 8 साल हो जाते हैं, आज दिन तक कोई GDN से नहीं दिया, आज हम बदार हो गए, आप बेईमान हो गए, ठीक है। मेरा गिला इनसे है कि ये मेरे राइट हैंड से, मैं को 8 से आके इनको सपोर्ट करता था, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शुरू किया, इनकी अमानत मेरे पास पड़ी थी और मैंने आज इनको वापस कर दी, मुमकिन है इसके अलावा भी मेरे पास हों, मैं अपना हिसाब देख के इंशाल्लाह अगर हुए तो वो भी इनको वापस कर दूँगा। थैंक सर, सुन ले सुन ले, जो हो गया छोड़ दें आगे से, रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं है, क्या खर्च हुआ है, ये हक बजाने में सारे पूछ रहे हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि ये क्यों नहीं,
ये बकायदा जैसे पटिशन का आता है कि जी इतने आए, इतनी पटिशन आई और ये अखराज आओ, नंबर वन। दूसरा, आपने कोई रिपोर्ट नहीं दी सेक्रेटरी ने कि कितने टूर्नामेंट हुए, ठीक है जी, कोई रिपोर्ट नहीं। आपने क्या किया है, आपके सूबे ने, आपकी डिवीजन ने क्या किया, नंबर टू। नंबर थ्री, 23 का कोई प्रोग्राम ने आपने नहीं दिया कि आगे क्या करना, आपने टूर्नामेंट देने हैं, सूबे की करानी है, चैंपियनशिप की लड़की करानी है, स्कूलों की, कोई प्रोग्राम आपने नहीं दिया जो आगे से होना चाहिए, ठीक है, ये गलती है। आ जाए सबसे बड़ा मैं जिसपे ये अभी हुई है वो ये है जी कि ग्रांट जितनी मिलती है आपको पता है, आप इसकी तकसीम का तरीकाकार रखें कि किसी को कोई इतराज ना हो। देखिए जी, हमारी होती है नेशन चैंपियनशिप, ठीक है जी, डिवीजनों की तीन टीमें जाती हैं और नेशन चैंपियनशिप डिपार्टमेंट से पांच आती हैं, ठीक है जी। उसमें अगर आपकी आती है नेशन चैंपियनशिप के लिए, उसकी एक मुकर्रर करें जी, जो जाएगी उसे इतनी ग्रांट देंगे हम, वो सूबे की जिम्मेवारी है, आप फंड देते हैं ना वो दें, इसका भी आज ही आपने फैसला करना है, ठीक है। लड़कियों की नेशनल चैंपियनशिप आती है, उसमें भी डिवीज़न की टीमें जाती हैं, ठीक है जी, वो भी आपने करना है कितने कितने देने हैं। फिर डिवीज़न नेशनल चैंपियनशिप ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी, जो पहले सी खेलते हैं उसका भी फैसला करना है, जो बी खेलते हैं उसका भी फैसला, जो ए खेलते हैं उसका भी फैसला करना है। फिर सूबाई चैंपियनशिप होती है आपकी के बी की, उसमें देखें टीमों को क्या देना है, डिवीज़न की टीमें आती हैं, लड़कियों की आती हैं, क्या देनी है। फिर जो करवा रहा है चैंपियनशिप या ये करवा रहे हैं उसे क्या देना है टूर्नामेंट करवाने का, ये फंड इसलिए मिलते हैं आपको, ठीक है जी। फिर स्कूल की चैंपियनशिप अगर कराते हैं आप, ठीक है जी, बाकी बैंक अकाउंट का बता ही दिया है, ये मसला मैं आपका करवा दूंगा, आप बताएं जी अब ये फैसला करें क्या क्या होना चाहिए, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, बताएं क्या होना चाहिए, फैसला करें। पर ये जो है ना स्पोर्ट डायरेक्टर ग्रांट पे मुनसर है, वो जो है कभी 5,000 देते हैं, कभी कट करके 4,000 दे देते हैं, तो हमें फिर उसके मुताबिक जमीन को देना है, ये उनकी ग्रांट पे मुनसर है, फार्मूला परसेंटेज फिक्स, फार्मूला बना लेंगे, लेकिन ये है कि वो ग्रांट कभी कम कभी ज्यादा, ज्यादा तो है नहीं, कम ही देते हैं। मेरे ख्याल में ये तरीका स्पोर्ट बोर्ड के जो डायरेक्टरेट है उसके SOPs में बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो ग्रांट दी जाती है ये आपकी सूबाई डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करने के लिए, और उसमें जो थोड़े बहुत मामला था अपने नेशनल, जो अपने नेशनल के लिए जाना है उसमें, इसमें जो ये पैसे हैं ये आप डिवीज़न को नहीं दे सकते। हाँ, डिवीज़न को तब दे सकते हैं कि डिवीज़न आपकी डिविजनल चैंपियनशिप खेलने के लिए आ रहे हैं, उसमें आप अकोमोडेशन देते हैं, उनको TADA देते हैं, रिहाइश देते हैं, जो मर्जी देते हैं उस सूरत में दे सकते हैं। अदरवाइज इनके पास अपना राइट पूरा मौजूद है कि ये अपने डिविजनल रीजनल RSO को या डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर को रिक्वेस्ट करें कि वो इनको वहाँ पर डिविजन सतह पर मतलब कोई भी इवेंट करा दें, पैसे नहीं, नहीं, नेशनल के लिए अगर डिवीजन जाते हैं वो बात है, नेशनल के डिवीजन जाते हैं, देखिए नेशनल के डिवीजन जाते हैं तो वो फिर आप इनसे उसकी ट्रेनिंग अलाउंस दे सकते हैं, या अगर फेडरेशन वहाँ पर ट्रेनिंग TADA देती है तो फिर तो आप ही देंगे। अगर फेडरेशन नहीं कर रही है, फेडरेशन क्या चाह रही है कि आप क्या करें, तो वो फिर आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी डिवीजन की टीम जा रही है और आप क्या कहते हैं कि 5-5 जानी है या 2 जानी है या 3 जानी है डिवीजन, उसमें वो दे सकते हैं। डायरेक्ट पैसे आप डिवीजन को नहीं दे सकते।